दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सौरमंडल में सूर्य और अन्य ग्रहों को आपस में बांधे रखती है। यही वो ताकत है जो हमें और हर चीज को धरती की सतह से बांधे रखती है। ये शक्ति हमें धरती के केंद्र की तरफ खींचती है। साधारण शब्दों में बोलूं तो अगर आप ज्यादा झुकेंगे तो आप गिर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाता है। जी नहीं दोस्तों, मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं धरती की ही बात कर रहा हूं। आज मैं आपको ऐसे 5 स्थानों के बारे में बताऊंगा जहां गुरुत्वाकर्षण फेल हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है मानो वो वहां पर काम नहीं कर रहा हो। और हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मिस्ट्री स्पॉट सांता क्रूज, कैलिफोर्निया। इस जगह को 1940 में जॉर्ज पार्थर ने खोजा था। उनका कहना है कि जब उन्होंने इस जगह को ढूंढी थी तो उन्हें लगा था इस जगह पे कुछ अजीब ताकतें काम कर रही हैं। उनका दावा है कि यहाँ के चुंबक के क्षेत्र में कुछ अजीब सी अनियमितता है और यह अनियमितता 150 वर्ग फीट की गोलाकार क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसे मिस्ट्री स्पॉट भी बोला जाता है। मिस्ट्री स्पॉट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण में एक अजीब सी अनियमितता देखने को मिलेगी, जैसे पानी का ऊपर की तरफ बहना, मैग्नेटिक कंपास का विचित्र तरीके से दिशा बदलना और चीजों और लोगों का आकार में बदलाव। यह एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं। नंबर 2 पे कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया, रैपिड सिटी। इस जगह पर चढ़ते हुए आपको कुछ पेड़ दिख जाएंगे जो रहस्यमय तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरफ झुके हुए हैं। मिस्ट्री स्पॉट की तरह ही यहां भी आप एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ मिस्ट्री स्पॉट की तरह ही वो सारे असर देख सकते हैं, जैसे कि बॉल का ऊपर की तरफ रोल करना। और इतना ही नहीं, आपकी ऊंचाई अलग अलग स्थान पर इस जगह पर बदलती हुई नजर आएगी। नंबर 3 पर है सेंट इग्नेस, मिशिगन। एक कहानी के मुताबिक 1950 में जब कुछ लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे तो अचानक से रहस्यमय तरीके से उनके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने इस जगह का और गहन सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ऐसा सिर्फ 300 वर्ग फीट के एरिया में ऐसा हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जानवर भी आने से परहेज करते हैं। मिस्ट्री स्पॉट और कॉस्मोस एरिया की तरह ही आप यहाँ भी आप ग्रेविटी से जुड़े कुछ विचित्र अनियमितताओं का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि आप दीवार पर सीधे खड़े हो सकते हैं। और मिस्ट्री स्पॉट और कॉस्मोस एरिया की तरह ही आप यहाँ पर कर्तव्य भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुर्सी को सिर्फ 2 टांगों पर बीम पर रखकर बाकी 2 टांगों को हवा में रखकर उस पर बैठ सकते हैं। और अगर आप यहाँ काफी देर रुकते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपका सर हल्का हो रहा हो। नंबर 4 पर है स्पूकी हिल, फ्लोरिडा। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी घटना है जो दुनिया भर में पाई जाती है। स्पूकी हिल फ्लोरिडा एक ऐसी जगह है जहां पर गाड़ियां अपने आप ही पहाड़ के ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बंद करके इसे न्यूट्रल कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी पहाड़ की तरफ ऊपर लुढ़कने लगी है। अगर आप भारत में रहते हैं और ऐसे ही मिस्ट्री स्पॉट की तलाश में हैं तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है मैग्नेटिक हिल, लेह। लेह में मौजूद इस पहाड़ी के पास अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उसे न्यूट्रल करते हैं तो आपकी गाड़ी पहाड़ी के ऊपर की तरफ लुढ़कने लगेगी। भारत में ये सिर्फ एक इकलौती जगह नहीं है जहां पर ऐसा होता है। तुलसीश्याम, अमरेली, गुजरात भी एक ऐसी जगह है जहां पर आप ये असर देख सकते हैं। इन सारे घटनाओं के पीछे कारण दिया जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी दृष्टि से संबंधित भ्रम को। यानी कि कहा जाता है कि मैग्नेटिक हिल के पास जो जगह है वो दरअसल ढलान होती है और गाड़ी ढलान पर लुढ़कती है, लेकिन आसपास के वातावरण से हमें लगता है कि गाड़ी पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ रही है। मिस्ट्री स्पॉट पर भी जो हम देखते हैं वो एक भ्रम ही होता है। वहां पर घर पहाड़ियों की ढलान पर बने हैं और एंगल से बनाई जाती हैं, और घर की बनावट और झुकाव से ऐसा लगता है कि हम टेढ़े खड़े हैं या फिर पानी ऊपर की तरफ बह रहा है। लेकिन ये बातें ये नहीं समझा पाती क्यों मिस्ट्री स्पॉट पर उपकरण या कंपास काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन कारण जो भी हो, ये बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां लोग अद्भुत अनुभव को महसूस करने आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल भी शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।